है, और दूसरी चीज़ ये BS6 है, तो शायद इसके टॉप एंड BS4 से कम हो। 42 44 48. सो हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की वीडियो होने वाली है BS6 ड्यूक 250 वर्सेस RS200 BS4। सो दिस इज द BS4 RS200। ये बाइक लगभग चली हुई है अराउंड 6000 किलोमीटर, और ये बाइक 2000 किलोमीटर चली, इसकी फर्स्ट सर्विस हुई है अभी। एंड लुक एट दिस हेडलाइट, दिस इज़ रियली मैसिव। और इस बाइक की यार कोई कंपैरिजन ही नहीं है, मतलब 250 सीसी सेगमेंट में दिस बाइक इज़ लिट। परफॉर्मेंस वाइज बहुत ही अच्छी है, और मुझे ये बाइक बहुत ही स्मूथ लग रही है कंपेरेबल टू BS41। और इसकी एग्जॉस्ट पाइप जो बेंड पाइप है पहले इस तरफ से आकर गई हुई थी, जिसकी वजह से बाइक की हीट पूरी लेग्स में लगती थी, तो उसे कंपनी ने इम्प्रूव करके इस बार बिल्कुल आगे से दिया है, सो डैट कि हमें गर्मी के टाइम में चलाने वक्त पैर पे इसके जो एग्जॉस्ट के जो गर्म गर्म हवा आते हैं वो नहीं लगे। और द बेस्ट पार्ट इस, ये जो बैक लाइट है ड्यूक 250 का, ये सबसे पहले टूटता है अगर कोई थोड़ा वेटेड पर्सन पीछे बैठ गया तो उसके लिए भी ये प्रोटेक्टर वाले हैंड ग्रिल्स दिए हुए हैं, सो डैट ग्रैब ग्रिल्स की वजह से अब ये भी प्रोटेक्टेड है। और मैं आपको इस बाइक के एग्जॉस्ट नोट पहले सुना देता हूँ। सो हियर्स द एग्जॉस्ट नोट ऑफ दिस बाइक। तो ये बाइक बिल्कुल पहले वाली एग्जॉस्ट नोट से सिमिलर है, बट थोड़ी बहुत डिफरेंस है ड्यू टू BS6 जो ऑटो सेंसर लगी है उस वजह से। और RS की भी मैं आपको एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ, ऑलरेडी आप लोग ने बहुत ही सुना होगा बट फिर भी मैं एक बार ही सुना देता हूँ RS की भी एग्जॉस्ट नोट। तो ये रही RS की एग्जॉस्ट नोट। तो अगर कंपेयर करो तो RS की एग्जॉस्ट नोट उससे ज़्यादा बेटर है। तो चलिए जल्दी से राइड करके बताते हैं कौन है विनर इसका, क्योंकि ये BS6 और वो BS4 है तो डिफरेंस तो होना ही है। बट CC सेगमेंट में देखी जाए तो वो 200 है एंड दिस इज़ 250। बट मैं कंपेयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो टॉप एंड इसकी है, ये नेक्ड बाइक है, वो फेड बाइक है, तो माइट भी दोनों में डिफरेंस है। और दूसरी चीज़, ये BS6 है तो शायद इसके टॉप एंड BS4 से कम हो, बट अभी तक मैंने इसे टॉप एंड ले नहीं किया, सो लेट्स गो एंड चेक दिस आउट। ओ भाई पॉप कर रही है, थर्ड गियर 95 116। So 144 is the top end of this bike. तो देखा जाए इससे कंपेयर करके, वो भी बाइक जाती है टिल 150, बट मीटर एरर है, जो स्पीडोमीटर है दोनों में बहुत एरर है, डिफरेंस है। इसकी लगभग एक या दो की एरर होती है और उसमें 7-8 के एरर होते हैं, जिस वजह से देखी जाए तो ये दोनों में डिफरेंस फील होता है और समझ में आता है कि हाँ यार ये दोनों बाइक में डिफरेंस है एग्जैक्टली। और अब हम लोग करेंगे राइडर्स को एक्सचेंज एंड वी विल चेक दैट कि अब वो मैं कितने ले जाता हूँ टॉप एंड। जैसे कि आप लोगों ने देखा इसे मैंने 144 तक टॉप एंड ले गया, सो नाउ इट्स टाइम फॉर RS200। एक्चुअली बहुत ज़्यादा धूप से गर्मी लग रही है और ये हेलमेट का वो ग्लास बहुत ही पैक है, इस वजह से ब्रीदिंग इशू हो रही है।
गैप आई डोंट थिंक कि आर एस उसे फिल कर पाएगी। ये देखो 146 147 और यहाँ पे लिमिटर हिट कर गई 148 पे। शिट मैन, ये लिमिटर क्यों दे रखी है बाइक में 149। The limiter is hitting again and again. So guys, as comparable, this bike is not the winner. The winner is Duke 250 BS6. ये तो उम्मीद था क्योंकि ऑलरेडी वो 250 cc है, बट मुझे लगा था थोड़ा बहुत टक्कर देगा बाइक, बट ऐसा नहीं हो पाया। एंड राइट सॉरी रेड एंजल लाइट्स लगे हुए बाइक में, इस लाइट की वजह से, एंजल लाइट की वजह से बाइक बहुत ही खूबसूरत लग रही है। लुक एट दिस, बाय द वे वो बाइक भी बहुत ही प्यारी है। सो एज कम्पेरेबल टू ओल्ड वन, बाइक बहुत स्मूथ चल रही थी। तो आप लोगों को क्या पता होगा कि मतलब आप लोग जस्ट इमेजिन दैट कि ये बाइक अगर 250 सीसी होती तो ईजिली उसे हरा देती। बट एक और उसमें डिमेरिट है कि वो बाइक नेक्ड है, तो बहुत ही जगह पे मतलब विंड ब्लास्ट की वजह से बाइक वॉबल हो रही है, तो उस वजह से वो बाइक आगे जा नहीं पा रही है। तो गाइस, आप लोग ने इस वीडियो को देखा अगर पूरा यहाँ तक, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल पर। तो गाइस चलिए फिर मिलते हैं अगली व्लॉग में। अनटिल देन, बाय बाय, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।